देख रहे हैं एचएम न्यूज़। वक्त हो गया है खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे में सुरक्षा में चूक को लेकर चन्नी सरकार अब इंटरनल सिक्योरिटी मेमो से ही घिर गई है। पंजाब के एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर ने 3 बार चन्नी सरकार को किसानों के धरने से रोड ब्लॉक होने के बारे में चेताया था। पुलिस को डायवर्जन प्लान बनाने के लिए कहा गया था। 1, 3 और 4 जनवरी को यह निर्देश भेजे गए थे, लेकिन किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। 1 जनवरी को भेजे इंटरनल मेमो में कहा गया था कि 5 जनवरी को बारिश की संभावना की वजह से सीएम और दूसरे वीआईपी सड़क मार्ग से आ सकते हैं, खासकर चंडीगढ़ से फिरोजपुर सेक्टर का इस्तेमाल हो सकता है। इसके लिए एडवांस में रूट अरेंजमेंट्स की प्लानिंग करने को कहा गया था। इसके बाद 3 जनवरी को एक और इंटरनल मेमो भी भेजा गया था, जिसमें कहा गया कि फिरोजपुर में गन्ने के खेत, नहर और ट्यूबवेल है, यहाँ पर भी पुलिस फोर्स की तैनाती के बारे में विचार किया जाए। इसमें यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया था कि प्रदर्शनकारी रैली का रूट ब्लॉक ना करें, एडवांस में वैकल्पिक रूट बनाए जाए। इसके अलावा राष्ट्ररोधी तत्वों, टिफिन बम, ग्रेनेड, आईईडी की फोटो भी गैजेटेड अफसरों को देने को कहा गया था, ताकि वे अपने कर्मचारियों को इसे दिखा सके। रूट पर पुलिस कर्मियों के ग्रुप और मोबाइल टीमों के रूप में तैनाती के लिए कहा गया था, ताकि जरूरत पड़ने पर वह जाम को हटा सके। पीएम के विजिट से 24 घंटे पहले 4 जनवरी के इंटरनल मेमो में एडीजीपी ने निर्देश दिया था कि किसानों की मूवमेंट पर पूरी नजर रखे, उन्हें किसी भी तरह से फिरोजपुर रैली को बाधित न करने दिया जाए। इसमें यह भी कहा गया था कि धरने की वजह से रोड ब्लॉक हो सकता है, इसलिए एडवांस में जरूरी ट्रैफिक डायवर्जन प्लान तैयार करें। इस मामले में सीएम चरणजीत चन्नी कहते रहे कि प्रधानमंत्री मोदी को हवाई मार्ग से जाना था, अचानक उन्होंने रोड से जाने का प्लान बना लिया। हालांकि सवाल यह है कि उनके ही अफसर की तरफ से 3 बार वैकल्पिक रूट बनाने की वार्निंग को क्यों नजरअंदाज किया गया। यह चेतावनी खराब मौसम और रैली में 1 लाख की भीड़ होने के तर्क के आधार पर की गई थी। इसके बावजूद ना तो अफसरों ने ट्रैफिक के निर्देश माने और ना ही पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की। तो ये थी हमारी आज की खबर। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए एचएम न्यूज के साथ।